बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ टिक्का बर्गर की रेसिपी, जो घर में भी बहुत मजेदार बन सकते हैं और इतनी आसानी से बन जाते हैं, जब आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का आपका दिल चाहेगा। सो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मजेदार से चिकन टिक्का बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन टिक्का बर्गर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 3 पाव चिकन बोनलेस यानी कि 750 ग्राम जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली है और फिर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक छन्नी में डाल के रख दिया ताकि इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, फूड कलर 1 पिंच के बराबर यानी कि 1 चुटकी, ये ऑप्शनल है, अगर यूज करना चाहे यूज करें, अगर नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सॉल्ट हम कम यूज करेंगे क्योंकि टिक्का मसाला में भी सॉल्ट होता है। हल्दी 1 टीस्पून, और हमें चाहिए होगा अदरक लहसुन, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून, अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 पाउंड दही लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, एक बाउल ले लेंगे, बाउल में डालेंगे हम बोनलेस चिकन। अब हम चिकन में ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जिसकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस, अदरक लहसुन क्रश किया हुआ ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे जो हमने बीट करके रखा हुआ था। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। कवर कर देंगे और आधा घंटा से मैरिनेशन के लिए मैं रख दूंगी, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूंगी। और यहाँ देखिए, आधा घंटा हो चुका है, चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अब यहाँ हम एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बाउल में जो मसाला रह गया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है चिकन को। अब कवर कर देंगे, 10 मिनट पर मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और यहां देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए, अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूं कितना अच्छे से टेंडराइज हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है चिकन। अब थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे, इसमें मैं रख दूंगी एक कटोरी और इसमें डाल दूंगी कोयला जो मैंने गर्म करके रखा हुआ था, और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी कोयले पर और फिर कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और यहां थोड़ा सा मैं गूंदा हुआ आटा लगा दूंगी ताकि स्टीम बाहर को ना निकले। और यहां देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, कोयले को मैं रिमूव कर दूंगी और अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है चिकन को। बर्गर के लिए हमें चाहिए होगा सॉस, सॉस बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मेयोनीज लिया है, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा। बर्गर में ये सॉस बहुत ही मजे का लगता है, आप लाजमी ये सॉस बनाइएगा। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर का यूज किया है, अगर आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं।
और हमें चाहिए होगा चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए बहुत ही मजेदार सा सॉस तैयार हो चुका है बर्गर के लिए। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक तवा ले लेंगे, तवे पे डालेंगे हम बटर, या हम बटर का यूज कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर ऐड करने से बहुत ही मजेदार इसका फ्लेवर आता है, आप बटर ही यूज कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। अब हम एक बन ले लेंगे, ये देखिए मैंने एक बन ले लिया है, उसे थोड़ा सा सेक लेंगे, यानी कि थोड़ा सा तल लेंगे तवे पर इस तरह से, ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। देखिए एक तरफ से मैंने सेक लिया है, अब दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे इस तरह से। इस स्पैचुला से थोड़ा सा पेस्ट करेंगे। अब मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी बर्गर को और इसी तरह से तमाम बर्गर्स को मैं सेक लूंगी। अब बर्गर्स को हम असेंबल करेंगे, थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे इस तरह से। मेयोनीज लगाने के बाद अब हम इस पे रख देंगे प्याज कटा हुआ राउंड शेप में, जो हमने पहले से कट करके रखा हुआ था। इसके बाद टमाटर राउंड शेप में कटे हुए रख देंगे बर्गर्स के ऊपर इस तरह से। चिकन जो हमने कुक करके रखा हुआ था वो रख देंगे, अच्छा खासा ही रखेंगे। सॉस हम इस तरह से ऐड कर देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था, और बर्गर के हिस्से भी हम मेयोनीज लगा देंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मेयोनीज लगा दिया है, अब हम कवर कर देंगे। ये देखिए बहुत ही मजेदार सा चिकन टिक्का बर्गर तैयार हो चुका है। इसी तरह से तमाम चिकन टिक्का बर्गर में तैयार कर लूंगी। ये देखिए मैंने तमाम चिकन टिक्का बर्गर तैयार कर लिए हैं और काफी चिकन बच भी चुका है। तकरीबन 3 पाउच चिकन में 8 बर्गर बन जाते हैं। चिकन टिक्का बर्गर तैयार है, आप सर्व करें थे 7 अप के साथ। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चाहती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।